हेलो एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे चलिए आज के वीडियो में देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं वो आज देखेंगे मैं इससे पहले आपको शॉर्टली शॉर्टली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मीनिंग समझाता सम्झा, हूं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए मतलब दस साल तक दो से दस साल तक जो भी कंपनी के गोल्स है वो अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है ये एक टाइप है प्लानिंग का प्लानिंग के फोर टाइप्स है फोर टाइप्स में ये एक टाइप है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटी प्लानिंग की जाती है लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे से स्ट्रैटेजी प्लानिंग की जाती है मैंने मीनिंग पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है वो चैनल में आप जाकर देख लीजिए चलिए फर्स्ट प्रोसेस है अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ स्ट्रैटेजिक प्लान फर्स्ट पता करना कि जरूरत क्या है बिजनेस की नीड्स क्या है बिजनेस की द फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज अंडरस्टैंडिंग दैट देर इज अ नीड फॉर अ प्लान सबसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस का कि पता करना कि क्या प्लानिंग की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट दिस दिस मीन्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द इंडस्ट्री इन्वॉलमेंट इन विच द बिज़नेस ऑपरेट सो डेट यू कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट एक मैनेजर के तौर पे आपको सारे चीज़ें मालूम रहना इन्वॉमेंट की जिसमें आप अपना बिजनेस चलाते चला रहे कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आए तो आपको सबसे पहले मालूम रहना बोल के सो so, यही कहा गया है फर्स्ट स्टेप है सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पता करना कि कि क्या प्लानिंग की जरूरत है अगर प्लानिंग की जरूरत है तो नेक्स्ट स्टेप चलेंगे प्लानिंग नहीं तो यहां से स्टेप बंद अगर प्लानिंग की जरूरत है तो नेक्स्ट स्टेप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप है सेट द गोल्स गोल सेट करना नेक्स्ट स्टेप सेटिंग गोल्स इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस गोल सेट करना सेकेंड स्टेप है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का गोल्स कैन भी सेट फॉर बहुत इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड फॉर द बिजनेस एज ए होल डिपेंडिंग ऑन द पर्पोज गोल्स डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट पर भी सेट करते हैं या फिर सारे बिजनेस पर भी सेट करते हैं डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर पर्पोज के ऊपर ये होगा सेकेंड स्टेप गोल्स सेट करना थर्ड स्टेप है डेवलप अजम्पन्स और प्रमिसेस अजम्पन्स और प्रोमिस मतलब अंदाज़ा लगाना फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना वन यू मेक ए प्लान फॉर यूर बिजनेस इट शुड बी डन विद द फ्यूचर इन माइंड जब आप कोई प्लानिंग बनाते हो तो फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए बनाते ऑफकोर्स द फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल विच मीन्स यूर प्लान विल नीड टू भी बेस्ड ऑन सर्टन एजम्शन और प्रोमिसज ऑफकोर्स फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल रहता आप प्लान्स फ्यूचर का अंदाज़ा रखते हुए बनाना आप प्लान्स फ्यूचर का अंदाजा रखते हुए बनाना डूरिंग द स्ट्रेटिक प्लानिंग प्रोसेस यू विल नीड टू डेवलप बोहोत इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोमिसज स्ट्रैटी प्लानिंग प्रोसेस के दौरान आप अंदर का या अंदर के या बिज़नेस के बाहर के चीज़ों पर ध्यान रखते हुए बनाना अंदर के क्या क्या होते हैं इम्प्लॉयज़ वो सब अंदर के आते हैं बाहर के मतलब कस्टमर्स सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ये काम्परेटर्स ये सब बाहर के चीज़ें आते हैं ये सब को मदे रज रखते हुए आप अपनी आजमशन अंदाजा लगाना थर्ड स्टेप में आता है अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ फोर्थ है रिसर्च डिफरेंट वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिवस रिसर्च करना दूसरे दूसरे तरीके गोल्स या तो फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए दे आर यूजअली सेवरल डिफरेंट वेज टू अचीव अ गोल यूजवली बहुत ही सारे तरीके रहते हैं गोल्स अचीव करने के लिए यू विल नीड टू टेक अ टाइम टू रिसर्च वेरियस वेज योर टीम फुल वर्क टूवर्ड्स कंपनी का सेट ऑब्जेक्टिव आपको अपना टाइम देना चाहिए कुछ तरीके रिसर्च करने के लिए अच्छा तरीका रहा तो गोल्स भी अचीव होते सो so ये कहा गया फोर्थ स्टेप है रिसर्च करना बहुत सारे वेव्स रहते हैं गोल्स अचीव करने के लिए सो so आप रिसर्च करना स्टडी करना कि दूसरे दूसरे जो भी तरीके रहते हैं गोल्स अचीव करने के लिए वो आप स्टडी करना ये आता है फोर्थ स्टेप में फिफ्थ है चूज योर प्लान ऑफ एक्शन फिफ्थ स्टेप है प्लान चूज करना अब जैसे फोर्थ स्टेप में रिसर्च किए थे दूसरे दूसरे वेव्स अब उसमें जो कौन सा अच्छा है वो वो चूज करना है फिफ्थ स्टेप है पढ़ते हैं देखिए वंस यू यूर सेट यूर ऑब्जेक्टिव डेवलप्ड यूर प्रमिसेज आइडेंटिफाइड और इवेल्युएटेड डिफरेंट सोल्यूशंस फॉर कम्प्लीटिंग योर गोल्स यू कैन देन डिसाइड विच कोर्सेस ऑफ एक्शन टू टेक आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए अंदाज़े भी लगा लिया दूसरे दूसरे तरीके भी स्टडी कर लिए रिसर्च कर लिए अब ये स्टेप है बेस्ट तरीका बेस्ट प्लान चूज़ करने का आइडली द स्ट्रेटी प्लान डेट यू चूज इज़ डेट इज़ द वन डेट विल बी मोस्ट प्रॉफिटेबल आप ऐसा स्ट्रेटजी प्लान चूज करना जो आपको आगे जाके बहुत ही प्रॉफिट दे सो प्लान आप चूज़ करना फिफ्थ स्टेप ही है चूज़ करने का बेस्ट प्लान चूज करना सिक्स देखते हैं डेवलपर सपोर्टिंग प्लान एक सपोर्टिंग प्लान भी बनाना स्टेप है वैन यू नो विच प्लान यू आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट यू मे आल्सो नीड टू डेवलप अ सेकेंडरी प्लान टू हेल्प यूअर इंस्टीट्यूट द प्राइमरी प्लान अगर आप एक प्लान बनाएं गोल्स अचीव करने के लिए तो आप एक दूसरा प्लान भी बनाएं वो फर्स्ट प्लान को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी प्लान भी बनाएं सेकेंडरी प्लान विल वेरी डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव सो यू शुड कीप योर गोल्स इन माइंड वाइल डेवलपिंग द एडिशनल प्लान दिस एडिशनल प्लान सेकेंड सेकेंडरी प्लान डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर तो आपको सेकेंडरी प्लान बनाते टाइम अपने ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखते हुए बनाना चाहिए तो so, यही कहा गया है सिक्स्थ स्टेप हैोसेस है कि आप एक सपोर्टिंग प्लान भी बनाए अगर ये प्लान फ्लॉप हुआ फर्स्ट प्लान फ्लॉप हुआ तो आपका सेकेंड प्लान सेकेंडरी प्लान काम आना सेकेंड सेकेंड आइडिया आप काम आना सो ऐसा प्लान बना जो फर्स्ट ये सेकेंडरी प्लान फर्स्ट प्लान को भी सपोर्ट करना सो so, ये कहा गया है सिक्स स्टेप है

वेन इट कम्स टाइम टू इम्प्लीमेंट प्लान मैनेजर ड्रॉ ऑन देर स्किल्स सेट एंड एक्सपीरियंस टू मेक श्योर एवरीथिंग रन स्मूथली जब बात आती है प्लान को इम्प्लीमेंट करने की मैनेजर अपने स्किल्स से एक्सपीरियंस करता है कि सब स्मूथली चलना बोल के सो so, सेवन्थ है इम्प्लीमेंट करना जो सिक्स जो छः स्टेप बने थे हम प्लानिंग के अब सेवन्थ वहाँ है वो उस प्लानिंग को काम में लाना काम स्टार्ट करना, करना। so, सेवन्थ स्टेप है इम्प्लीमेंट करना सो ये सात स्टेप क्या कहते हैं साथ स्टेप फर्स्ट स्टेप था पता करना कि क्या क्या प्लानिंग की ज़रूरत है सेकंड स्टेप है सेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव सेट करना थर्ड था अंदाजा लगाना फोर्थ था रिसर्च करना दूसरे दूसरे तरीके फिफ्थ था चूज करना बेस्ट तरीका सेवन था एक सॉरी फिफ्थ था प्लान चूज करना सिक्स था एक सपोर्टिंग प्लान बनाना और सेवन्थ था इम्प्लीमेंट करना ये सारे प्रोसेस थे स्ट्रेटी प्लानिंग के आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो चल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्प्लीकेशन सेलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ मैं मैंने फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश कर दिया है ये मेरा सेकंड चैप्टर चल रहा है सारे वीडियोस चैनल में आप जाकर देख लीजिए ऐसे मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू